नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और झटपट सी बनने वाली नाश्ता की रेसिपी। इसे हम गेहूं के आटे से बनाकर तैयार करेंगे। अगर आपके घर कोई गेस्ट आए तो स्टार्टर में इसे बनाकर टमाटो के चप या चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो हमें इसके लिए सबसे पहले आटा लगाना है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप गेहूँ का आटा लिया है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे, 1/2 चम्मच कुटा हुआ रेड मिर्च, बारीक कटा हुआ थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे और इसके बाद इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे। तो तेल से क्या होगा ना कि नाश्ता हमारा क्रिस्पी बनेगा। अब इन सबको आटे में अच्छे से मिला लेंगे। मिला लेने के बाद ना लगभग 2 चम्मच के बराबर आटे को ना हमें बाहर निकाल लेना है। और इसके बाद ना हमें आटे में थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और आटे का डो बनाकर हमें तैयार कर लेना है। तो एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालें, वरना क्या होगी कि आटा गीला हो जाएगी। तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और रोटी से थोड़ा सख्त डो बनाकर हमें तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से मिलाते हुए यहाँ पर देखिए आटे का डो बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम इसे ढककर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम इसके लिए स्टफिंग्स बनाकर तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज के आलू को उबालकर कद्दूकस कर लिया है। तो आलू को कद्दूकस करके ले ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना रहे। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ 2 हरी मिर्च, 1/2 चम्मच जीरा, स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल दें, बारीक कटा हुआ 1 मीडियम साइज के प्याज डालेंगे, बारीक कटा हुआ थोड़ा सा धनिया पत्ता। और नाश्ता को टेस्टी बनाने के लिए इसमें हम 1/2 चम्मच चाट मसाला डालेंगे, 1/4 चम्मच कुटी हुई रेड मिर्च, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। अब सारे मसाले को ना हमें आलू में अच्छे से मिला लेना है ताकि सारे मसाले की फ्लेवर आलू में अच्छे से आ जाए। तो इस तरीके से हमें इसे मिला लेना है। यहाँ पे आप कोई और भी मसाला ले सकते हैं। तो इस तरीके से मिला लेना है। और मिला लेने के बाद अब हम ना जो आटे को बाहर निकाल के रखे थे ना उसे ले लेंगे और इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे और इसका घोल बनाकर तैयार कर लेना है। तो घोल बनाने के लिए एक बार में ही पानी न डालें, वरना क्या होगी कि आटे की गुठलियाँ पड़ जाएगी। तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और आटे का हमें घोल बनाकर तैयार कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से हमें आटे का घोल बनाना है। और इधर आटा भी सेट हो गया है। तो अब हम इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे और मिला लेने के बाद ना एक बड़ी सी लोई बनाकर हमें तैयार कर लेना है इस तरीके से। अब लोई के दोनों साइड में सूखा हुआ आटा लगा लें ताकि जब इसे हम बेलें तो ये बेलन में चिपके ना। और इसे ना बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार करना है, पर रोटी की तरह ही पतलाई से बेलें। बेल लेने के बाद ना अब हम इसके ऊपर केचप लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने टमाटो केचप लिया है। आप कोई भी सॉस या चटनी ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। और रोटी के चारों तरफ लगा लेना है। सॉस को लगा लेने के बाद अब इसके ऊपर हमने जो मसाला तैयार किया है ना आलू का, उसे लेंगे और रोटी के ऊपर इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे ताकि आलू के मसाले का पतला लेयर रोटी के ऊपर आ जाए। और रोटी के चारों तरफ इस तरह से हमें इसे फैला लेना है। और यहाँ पे रोटी के ऊपर आलू के मसाले को मैंने अच्छे से फैला लिया है। अब क्या करेंगे कि अब रोटी के साइड में इस तरीके से हम पकड़ेंगे और इसे हमें फोल्ड कर लेना है कुछ इस तरीके से। रोटी को फोल्ड करने के बाद ना इसके किनारे वाले साइड को चिपका लेना है ताकि इसकी स्टफिंग्स बाहर ना निकले। और इसके बाद यहाँ पे आप चाहे तो बेल सकते हैं या हाथों से इसे इस तरीके से फैला भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे बेलकर हाथों से ही इसे फैला लिया है। और अब हम इसे सीधा कर लेंगे और साइड साइड से थोड़ा सा हम सेट कर लेंगे ताकि नाश्ता दिखने में अच्छा लगे। और इसके बाद हम एक चप्पू लेंगे और इससे ये 2-2 इंच की दूरी पे पीसेस हम काट लेंगे। और ये देखिए कितना आसानी से ये कट रही है।
तो इस तरीके से काट लेंगे। और काट लेने के बाद यहाँ पर मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। अब आटे का घोल लेंगे और इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे। मिला लेने के बाद ना एक पीसेस लेंगे और इस तरीके से घोल में डीप करके पीसेस के चारों तरफ हमें लगा लेना है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए तेल को मैंने गर्म कर लिया है और यहाँ पे तेल गर्म हो गई है। तो एक एक करके तेल में पीसेस को डालेंगे। डालने के बाद गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे एक साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। जब ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो इसे हम पलट लेंगे। अब पलटने के बाद ना दूसरे साइड से भी हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। और ये देखिए नाश्ता दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो इसे उलटते पलटते हुए आधा मिनट तक और फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अब एक एक करके नाश्ते को बाहर हम निकाल लेंगे। और ये देखिए देखने में ही ये कितना क्रिस्पी लग रहा है ना, और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस तरीके से एक एक करके सारे नाश्ते को बाहर निकाल लेंगे और निकाल लेने के बाद सेम प्रोसेस से बचे हुए नाश्ते को हमें फ्राई कर लेना है। और ये देखिए गर्मा गर्म टेस्टी हेल्दी गेहूं के आटे का नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। तो एक बार आप भी मेरी इस तरीके से गेहूं के आटे का नाश्ता बनाकर ट्राई करें और यकीन माने ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। इसे आप टी टाइम में स्नैक में या आपके घर कोई गेस्ट आए ना तो स्टार्टर में बनाकर जरूर सर्व करें। तो आज की मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।